यही गल्फ कंट्रीज़ हैं जिसमें 30 लाख के करीब हिंदुस्तानी जाके कारोबार करते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर सब को अगर अच्छी रोज़ी किसी को लेनी होती है और आसान रोज़ी तो इन्हीं छोटे छोटे सो कॉल्ड छोटे छोटे मुल्कों में जाता है जिनके एक एक शेख में इतनी ताकत है और इतनी दौलत है कि कम से कम दिल्ली की पूरी सरकार को ख़रीद के चला सकते हैं। तो मनीष सिसोदिया को सोचना चाहिए कि वो छोटा छोटा मुल्क कह के उन लोगों को जलील ना करें कि जो लोग पालनहार हों। वो तो इंसाफ ही चाह रहे हैं ना, वो तो वार तो चाह नहीं रहे, इंसाफ चाह रहे कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को सज़ा दी जाए, वो इंसाफ चाह रहे। तो इस पर इनको इतना चिढ़ नहीं। इस मुल्क में सिर्फ मुसलमान एहतजाज कर रहे थे, ये मैंने कहा कि सिर्फ मुसलमान कर रहे थे, इसका मतलब कि इस मुल्क की तमाम सियासी पार्टियां जो मुसलमानों के वोट की दावेदार और हरीस रहती हैं उसके पीछे दौड़ती हैं, कांग्रेस का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, समाजवादी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ममता बनर्जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, मायावती का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, अखिलेश का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, साउथ इंडिया की पोलिटिकल पार्टीज़ का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, शरद पवार का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, किसी का नहीं आया। इसका मतलब सबने बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूँ कि सब ने यह समझा कि इस मुल्क का मुसलमान बेयारो मददगार बेसहारा एक भीड़ है, एक हुजूम है जिसकी कोई सुनवाई की कोई ज़रूरत नहीं, इलेक्शन के वक्त की कॉमोडिटी इलेक्शन में इस्तेमाल कर लेंगे। हुकूमत को अलग रखना चाहिए, मुल्क को अलग रखना चाहिए। हमारी शिकायत हुकूमत से है कि हुकूमत ने अपने तासुब, जो हुक्मरान जमात है उसका तासुब, उसकी तंग नज़री, उसका मुनाफरत आमेज पॉलिसी, उस पॉलिसी ने हालात को यहाँ तक पहुँचाया कि पूरी दुनिया आज भारत को एक ऐसी नज़र से देख रही है कि वो समझाया जा रहा है कि पूरा भारत एक शातिम रसूल गुस्ताख रसूल बन गया हो। भारत बहसियत मुल्क आज शातिम रसूल और गुस्ताख रसूल समझा जा रहा है। ये हमारी बदकिस्मती है, हिंदुस्तान में मुसलमान है इनकी तो कोई औकात नहीं है, इनको तो कोई सुनेगा नहीं, इनकी तो कोई हैसियत नहीं है। तो ठीक है, ये बोल रहे हैं बोलने दो, सड़क पे आएंगे तो जेलें भर देंगे इनसे और इन पे NSA लगा देंगे, गैंगस्टर लगा देंगे, क्या कर लेगा कोई। लेकिन ये लोग ये नहीं जाने, हमारी सरकार, मुझे अफसोस है, हमको गाली दीजिए, हमारे परिवार को गाली दीजिए, देते हैं, हम सुनते हैं, सैकड़ों गाली रोज़ हमको दी जाती है, हम सुनते हैं, सब्र करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, कोई अर्ज नहीं है। लेकिन उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, 180 करोड़ आलम इस्लाम के एक बच्चे की शान में गुस्ताखी के मुतरादिफ है, ये बात हमारी सरकार ने नहीं समझी। भारत न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज मेरे सामने ऐसी शख्सियत यहाँ पर है जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनको आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, न्यूज़ चैनल डिबेट में देखा होगा, जो काफ़ी ये चेहरा आजकल काफ़ी चर्चे में है आपने, और इनका नाम है डॉक्टर तस्लीम रहमानी। आइए इनसे बात करते हैं। मनीष सिसोदिया का कल ट्वीट आया, ट्वीट में उन्होंने एक बात कही, दर्शकों में वो ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इतने छोटे छोटे देशों की भारत जैसे महान देश को आंख दिखाने की हिम्मत हो गई। कहना क्या चाहते हैं मनीष सिसोदिया साहब, आप ये बताइए, क्लियर करें। और आगे लिखते हैं, मोदी जी और भाजपा ने देश का क्या हाल कर दिया, आज हर भारतवासी बेहद पीड़ित है, दुख की सीमाएं। वो लोग अगर हमारे नबी की गुस्ताखी करते हैं तो वो लोग आवाज़ उठाते हैं, तो आपको काफ़ी पीड़ित होती है, क्या कहना क्या चाहते हैं ट्वीट में आप ये बताइए। छोटे छोटे देशों की, यानी कि नबी की गुस्ताखी अगर कोई करे, हमारे नबी की बेइज्जती करे, तो क्या लोग खामोश रहे, कहना क्या। आइए इन सब बातों को लेकर डॉक्टर तस्लीम रहमानी से बातचीत करते हैं कि इस ट्वीट को आप किस तरह देखते हैं। ये तो देश की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे देश, मैं कहता हूं कि छोटा सा बच्चा भी होगा तो बड़े से बड़े आदमी को इस मामले में आंख दिखाने की जुरत रखता है। मनीष सिसोदिया और इस किस्म के तमाम लोग और कबीले इस मुल्क में जो सियासी लोग हो गए हैं, ये वो मुनाफरत आफरीन लोग हैं कि जो तफरीक करते हैं, छोटा बड़ा, हक और इंसाफ को नहीं देखते हैं, छोटे और बड़े में नापते हैं। ये वो वर्ण प्रथा वाले लोग हैं जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में और फिर अछूत तक लेके जाते हैं। तो इनके लिए लोग छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन जो लोग इंसाफ और हक की बात करने वाले लोग हैं वो सबको बराबरी के दर्जे पे रखते हैं, ये बात मनीष सिसोदिया नहीं समझ सकते। दूसरी बात यह है कि उनको इस बात की कोई तकलीफ़ नहीं है कि इस मुल्क के
रूलिंग पार्टी की एक छोटी सी मामूली सी तर्जुमान ने इतनी बड़ी शख्सियत की बेहुर्मती करने की जुरत की है कि जिनका नाम लेते हुए 180 करोड़ इस दुनिया के लोग अपने गर्दनें झुका लेते हैं और अदब से बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी बड़ी अहम तरीन तारीखी शख्सियत, इसको 1400 साल गुजर गए और 1400 साल का एक लम्हा एक सेकंड ऐसा नहीं गुजरा कि उस शख्सियत की शान मुबारक में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के दरूद व सलाम पेश किया गया हो, तो उसको ये छोटी चिवटी सी एक शख्सियत, ये क्या ये दिखाई नहीं देता महेश सिसोदिया को? एक जुमला एक लफ्ज़ कहा है कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम ये मानते हैं कि मनीष सिसोदिया उस तबके से उस ग्रोह से ताल्लुक़ रखता है कि जो ग्रोह एहानत रसूल को इस मुल्क में जारी को रवा समझता है, जो ये समझता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है, उसी तबके से इन लोगों का भी ताल्लुक़ है जो इस तरह सोशल मीडिया पर आके बयानबाजी करते हैं, मजम्मत नहीं करते। नूपुर शर्मा, जो गुस्ताखी की है हमारे नबी की शान में और बहुत ही वाहियात बातें कही है जिसका दूर दूर तक हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, और उस वक्त क्या ये पार्टी ये लीडर और कहाँ गए थे? उस वक्त क्या सो रहे थे? उस वक्त इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अगर उन्होंने स्टेटमेंट दे दिए होते, एक्शन ले लिया होता, तो फिर बाहर मुल्कों के लोगों को क्या फ़र्क पड़ता? क्यों वो लोग आवाज़ उठाते जब एक्शन ले लिया जाता? जब आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो उसके बाद जो है 10 दिन के बाद, यानी कि बहुत मामला यानी कि बढ़ जाने के बाद, जब वो लोग कहते हैं 6 साल के लिए निलंबित कर दिया जाता है नूपुर शर्मा को, जो गुस्ताख है उसको निलंबित कर दिया जाता है, तो फिर इनको इनको दुख होता है, इनको तकलीफ होती है। ये तो देखिए, एक बात तो ये समझनी चाहिए कि ये एहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये मामला है, ये पहली बार नहीं हुआ है। हैबिचुअल हो गए हैं आरएसएस और उसकी हलीफ जमातों के लीडरान। पिछले साल भी, ये तकरीबन 2 साल हो गए, पिछले साल यहाँ यति नरसिम्हानंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एहानत रसूल की थी, तो छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लोगों ने नज़रअंदाज किया, सब्र किया, धर्म संसद में किया, इनके अलग अलग वज़ीर मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ उनवान से ऐसी कोई ना कोई हरकत करते रहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये पहला मौका था कि ऑन एयर एक नेशनल टेलीविज़न इंग्लिश चैनल जो सारी दुनिया देखती है, वहाँ पर एहानत रसूल का इर्तकाब किया गया और वो एक्सट्रीम को अपने पहुंच गए। और उसके बाद चूँकि वो रूलिंग पार्टी है, उनको फौरी तौर पर इस मुल्क में एहतजाज शुरू हो गया, इस मुल्क के लोगों ने उस पर, मुसलमानों ने, मैं लोगों की बात नहीं करूंगा आज, क्योंकि इस मामले में सब इस हमाम में नंगे हैं, क्योंकि 10 दिन तक, पूरे 10 दिन तक इस मामले में एहतजाज सिर्फ मुसलमानों ने किया, मुस्लिम आवाम ने किया, मुस्लिम तंजीमों ने किया, और मुतालबा किया कि उसको सज़ा दी जाए। सैकड़ों के करीब उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट थानों में दर्ज हुई, 4 FIR दर्ज हो गई मुख्तलिफ स्टेट्स में उसके खिलाफ, भी कार्रवाई नहीं होती, लीगल नोटिस दे दिया गया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और तमाम मुसलमान, कानपुर का मुसलमान सड़कों पे आ गया, गिरफ्तार हो गए सैकड़ों लोग वहाँ, और हज़ारों के नाम उसमें FIR में मौजूद है, लेकिन कोई कार्रवाई 10 दिन तक नहीं की गई। ये समझ लिया गया कि ये तो 20 करोड़ से ज़ायद जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, इनकी तो कोई औकात नहीं है, इनको तो कोई सुनेगा नहीं, इनकी तो कोई हैसियत नहीं है, तो ठीक है ये बोल रहे हैं बोलने दो, सड़क पे आएंगे तो जेलें भर देंगे इनसे, और इन पे NSA लगा देंगे, गैंगस्टर लगा देंगे, क्या कर लेगा कोई। लेकिन ये लोग ये नहीं जाने, हमारी सरकार, मुझे अफसोस है, हमको गाली दीजिए, हमारे परिवार को गाली दीजिए, देते हैं, हम सुनते हैं, सैकड़ों गाली रोज़ हमको दी जाती है, हम सुनते हैं, सब्र करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, कोई अर्ज नहीं है, लेकिन उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, 180 करोड़ आलम इस्लाम के एक बच्चे की शान में गुस्ताखी के मुतरादिफ है, ये बात हमारी सरकार ने नहीं समझी। मैं साफ कहना चाहता हूँ, मुल्क और हुकूमत दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम मुल्क की तरक्की, उसकी फलाह, उसकी बहबूद, उसके इस्तेहकाम, उसमें अमन, उसमें अमान, इस सब की जद्दोजहद में हम बराबर के शरीके कुर्बानियाँ दे सकते हैं, लेकिन हुकूमत से इख्तलाफ रखने का हक़ जमहूरियत में हर तबके को हासिल होता है, वो इख्तलाफ हम भी करते हैं। तो हुकूमत कोई भी आए, कांग्रेस, भाजपा, मोदी, मनमोहन, कोई भी हो,
इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, गलत करेंगे तनकीद करेंगे, अच्छा करेंगे तारीफ करेंगे। तो हुकूमत को अलग रखना चाहिए, मुल्क को अलग रखना चाहिए। हमारी शिकायत हुकूमत से है कि हुकूमत ने अपने तासुब, जो हुक्मरान जमात है उसका तासुब, उसकी तंग नज़री, उसका मुनाफरत आमेज पॉलिसी, उस पॉलिसी ने हालात को यहाँ तक पहुँचाया कि पूरी दुनिया आज भारत को एक ऐसी नज़र से देख रही है कि वो समझाया जा रहा है कि पूरा भारत एक शातिम रसूल गुस्ताख रसूल बन गया हो। भारत बहसियत मुल्क आज शातिम रसूल और गुस्ताख रसूल समझा जा रहा है। ये हमारी बदकिस्मती है कि मुल्क में वो सरकार है जो शातिम रसूल के खिलाफ एक्शन लेने को रवा नहीं समझती। जब ये नुपुर शर्मा जब ये स्टेटमेंट देती है, ये वाहियात स्टेटमेंट जो हमारे कान भी सुनने को राज़ी नहीं है, तो इसमें पार्टी जितने भी जो नाम निहाद जो है सेकुलर पार्टी है, नाम निहाद कहूँगा क्योंकि इस मैटर पे मुसलमानों का जब फेवर की बात आती है तो सब लोग अपना दामन झाड़ लेते हैं, और लेकिन उस वक्त किसी का स्टेटमेंट नहीं आता है। जैसे कि निलंबित कर दिया जाता है 6 साल के लिए, पार्टी बर्खास्त कर देती है, तो उस पर ये स्टेटमेंट, ये ट्वीट आता है, इस ट्वीट के बारे में आप क्लियर बताएं। नहीं, मैंने यही पहले ही कहा कि इस मुल्क में 26 जून की रात से लेके और अब 2 दिन पहले तक इस मुल्क में सिर्फ मुसलमान एहतजाज कर रहे थे। ये मैंने कहा कि सिर्फ मुसलमान कर रहे थे, इसका मतलब कि इस मुल्क की तमाम सियासी पार्टियां जो मुसलमानों के वोट की दावेदार और हरीस रहती हैं और उसके पीछे दौड़ती हैं, कांग्रेस का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, समाजवादी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ममता बनर्जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, मायावती का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, अखिलेश का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, साउथ इंडिया की पोलिटिकल पार्टीज़ का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, शरद पवार का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, किसी का नहीं आया। इसका मतलब सब ने, बहुत तकलीफ़ के साथ कह रहा हूँ कि सब ने ये समझा कि इस मुल्क का मुसलमान बेयारो मददगार, बेसहारा एक भीड़ है, एक हुजूम है जिसकी कोई सुनवाई की कोई ज़रूरत नहीं, इलेक्शन के वक्त की कम्युनिटी इलेक्शन में इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन जब मुल्क को नुकसान पहुँचने लगा और इकोनॉमिक बाइकॉट हुआ और सारी दुनिया के मुस्लिम दुनिया खड़ी हो गई, तब आपको यहाँ पर होश आया, तब आपने यहाँ एक वो भी एक फ़र्ज़ी कार्रवाई की। जो ख़त उन्होंने मीडिया को जारी किया है कि हम तमाम मजाहिब के का एहतराम करते हैं, तमाम मजहबी शख्सियतों का एहतराम करते हैं, ये कहा गया कि स्पोक पर्सन ये नहीं है, ये भाजपा से इनका कोई लेना देना नहीं है, नहीं, एक आम व्यक्ति कहा गया है। नहीं, वो तो आम व्यक्ति भी नहीं कहा, बहुत ही शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही लोगों का फ्रिंज एलिमेंट है, ये नापसंदीदा शरपसंद एलिमेंट है, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा और इसके बावजूद उसको वो प्रोटेक्शन यही भारतीय जनता पार्टी दे रही है। क्या रीज़न है कि आज बॉम्बे में, पुणे में और राजस्थान में और भोपाल में FIR हुई हुई है, दिल्ली में एक भी FIR अभी तक दर्ज नहीं की, तो कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? नूपुर ने खुद कहा है अपने बयान में कि मुझे वज़ीर आज़म ने हिमायत की यकीन दहानी कराई है, मुझे वज़ीर दाखला ने हिमायत की यकीन दहानी कराई है, मुझे चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र ने यकीन दहानी करवाई है कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो मैं ये कहता रहा कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन वज़ीर आज़म ये बात नहीं कह सकते कि जो शातिम रसूल हो उसकी हिमायत वज़ीर आज़म करेंगे, वज़ीर दाखला करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। मैं उसे झूठ, लेकिन न वज़ीर दाखला ने इसकी तरदीद की, न वज़ीर आज़म ने इसकी तरदीद की, ना इस पर भी एक एक्स्ट्रा एक्शन होना चाहिए था उसके बाद। तो इसकी वजह से ये समझा जा रहा है कि अगर भारत के वज़ीर आज़म और भारत के वज़ीर दाखला शातिम रसूल के साथ खड़े हैं तो क्या पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है? लेकिन तस्लीम साहब, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि नबी रहमत के बारे में कोई ऐसी बात कहती है और जिसे हमारे कान भी नहीं सुनने को तैयार है और दूर दूर तक बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, एक हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, नबी रहमत के बारे में ये लोग कहते हैं तो ये लीडर खामोश रहते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी करते हैं, पूरी दुनिया यानी पूरी दुनिया में मुसलमान रहते हैं, जाहिर सी बात है उनको बुरा लगेगा, वो अगर कोई बात अगर यानी कि एक्शन लेने की बात अगर कहते हैं तो इस तरह से छोटे छोटे मुल्क करके बेइज्जती करेंगे ये लोग? ये लीडरों का काम है, छोटे वो भी एजुकेशन मिनिस्टर, पढ़े लिखे व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, छोटे छोटे मुल्क करके बेइज्जती करेंगे, ये क्या कहना है? क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो गल्फ़ है, ये छोटे छोटे से मुल्क हैं, ओमान है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, UAE है और हमारा सऊदी अरब है। आपको मालूम है करेंसी एक्सचेंज रेट क्या है? एक एक दिनार 150-200 रुपये का है, किसको छोटा कह रहे हैं? यानी डॉलर की कीमत कम है
वहाँ दीनार की कीमत ज़्यादा है, कतरी दीनार की, कुवैती दीनार की कीमत ज़्यादा है, और एक कतरी दीनार 150 यानी 2 या 3 डॉलर, एक एक में 2 या 3 डॉलर मिल जाते हैं, इतनी अहमियत है। और इंडिया में 55% फॉरेन रेमिटेंसेस यानी फॉरेन करेंसी जो है इन्हीं गल्फ कंट्रीज से आती है, जिसको आप छोटा छोटा सा कह रहे हैं, यही गल्फ कंट्रीज हैं जिसमें 30 लाख के करीब हिंदुस्तानी जाके कारोबार करते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर सब को अगर अच्छी रोज़ी किसी को लेनी होती है और आसान रोज़ी, तो इन्हीं छोटे छोटे सो कॉल्ड छोटे छोटे मुल्कों में जाता है, जिनके एक एक शेख में इतनी ताकत है और इतनी दौलत है कि कम से कम दिल्ली की पूरी सरकार को खरीद के चला सकते हैं। तो मनीष सिसोदिया को सोचना चाहिए कि वो छोटा छोटा मुल्क कह के उन लोगों को जलील ना करें कि जो लोग पालनहार हों। वो तो इंसाफ ही चाह रहे हैं ना, वो तो वार तो चाह नहीं रहे, इंसाफ चाह रहे कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को सजा दी जाए, वो इंसाफ चाह रहे, तो इस पर इनको इतना चिढ़ नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग जानते हैं कि हक और इंसाफ क्या होता है, वो लोग इस बात को समझते हैं। जो लोग इस तबकाती तकसीम में सदियों से जी रहे हों कि एक ब्राह्मण है, एक शूद्र है, एक क्षत्रिय है, और इस तरीके से समाज को बांट के छोटा बड़े की तमीज़ करके रखते हो, वो लोग इंसाफ और हक की बात को नहीं समझ सकते। तो ये उनके अपने जहन का छोटापन है कि वो किसी दूसरे को छोटा कहें या किसी को बड़ा कहें, हम तो बराबरी में यकीन रखते हैं। तस्लीम साहब, ये बताइए, इस मुल्क में, भारत जैसे महान मुल्क में, मुसलमान आजकल अपने आप को इतना मज़लूम क्यों महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये तो इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो बड़ी बात यही है ना कि ये जो एटीट्यूड है कि इस मुल्क में 2 नंबर का शहरी बना के रखने की कोशिश की जा रही है। हमारे अकीदे, हमारे ईमान और हमारे जो हमारे दीन के जो बानियान हैं, उन पर आप हर्फ अंगेजी करें, उनकी शान में गुस्ताखी करें, और इस मुल्क में उन लोगों के ऊपर न सिर्फ ये कि कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, सारे कानून मौजूद होने के बावजूद उन पे कार्रवाई ना हो, बल्कि उनको पुलिस सिक्योरिटी दे दी जाए। जिसको जेल की कोठरी में होना चाहिए वो पुलिस की सिक्योरिटी फराहम हो जाए उसको, और जो इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए निकले उस पर गैंगस्टर एक्ट लग जाए, NSA लग जाए। तो अगर इंसाफ के पैमाने इतने तब्दील हो तो फिर तो जो जो कम्युनिटी इसे फेस कर रही है वो अपने आप को डिमोरलाइज समझेगी। ये नतीजा है, उसी का नतीजा है। और ये चूंकि कंटिन्यूस होता चला आ रहा है, कभी बॉब लिंचिंग के नाम पे, कभी काओ विजिलांटे के नाम पे, कभी हिजाब के नाम पे, कभी अजान के नाम पे, कभी जुमे की नमाज के नाम पे, तो एक कंटिन्यूस प्रोसिक्यूशन हो रहा है। आखिरी सवाल मेरा है कि क्या नुपुर शर्मा को सज़ा मिल पाएगी, क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्यों अब तक तो एक्शन नहीं लिया गया? नहीं, बिल्कुल हम उसकी जद्दोजहद एक दिन के लिए भी छोड़ेंगे नहीं। वो चाहे जितनी सिक्योरिटी में रख लें उसको, हमने पहले भी लीगल नोटिस ऑलरेडी दे रखा है, 1 हफ्ता गुजर गया, 1 हफ्ते का और इंतज़ार कर रहे हैं। थानों ने अगर रिपोर्ट करके अगर एक्शन नहीं लिया तो हम अदालत में जाएंगे, और हम यकीन रखते हैं कि अदालत उस पर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगी। और अगर ये अदालत में भी नहीं होता है तो फिर हमको इंटरनेशनल कम्युनिटी से राबता करना पड़ेगा, इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स में, जिस लेवल पर हम ये यकीन रखते हैं कि हमको हमारी अदालतों से इंसाफ मिलेगा और इस औरत को सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा ना हुआ तो फिर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाएंगे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स जो हैं जो इस किस्म की चीज़ों को टैकल करते हैं, हम उनमें शिकायत दर्ज करेंगे।